दस आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सिद्धार्थशंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव बनाए गए हैं। ओमवीर सिंह एसपी गाजीपुर बनाए गए हैं। हेमराज मीना एसएसपी मुरादाबाद बनाए गए हैं। ब्रजेश कुमार, तो देखिए कुल 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। बड़ी जानकारी, कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। सिद्धार्थशंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव, ओमवीर सिंह एसपी गाजीपुर, हेमराज मीना एसएसपी मुरादाबाद, ब्रजेश कुमार एसपी कौशाम्बी बनाया गया है। तो 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। एक बार फिर से यूपी में तबादला एक्सप्रेस चली है। 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। 11 कुमार एसपी कौशाम्बी उनको बनाया गया है। हेमराज मीणा एसएसपी मुरादाबाद बनाया गया है। तो कुल 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। देखिए नाम सामने आ रहे हैं। तो कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। कुल 11 आईपीएस अफसरों के तबादले, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त के लखनऊ से सामने आ रही है। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। कई जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए गए हैं। देखिए बड़ी जानकारी, 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी इस वक्त, कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। सिद्धार्थशंकर मीणा पुलिस अधीक्षक उन्नाव बनाए गए हैं। ओमवीर सिंह एसपी गाजीपुर बनाए गए हैं। हेमराज मीणा एसएसपी मुरादाबाद, ब्रजेश कुमार एसपी कौशाम्बी उनको बनाया गया है। और इनके साथ कुल 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ तो स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह से कुल 11 आईपीएस अफसरों के कहा जा रहा है कि तबादले किए गए हैं, कई जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं उनका भी तबादला किया गया है। बिल्कुल, देखिए 11 आईपीएस अफसरों में मुरादाबाद है, उन्नाव है, कौशाम्बी है, बाराबंकी है, गाजीपुर है। 5 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं जी। और हेमराज मीना जो कौशाम्बी में एसपी थे उनको मुरादाबाद का एसएसपी बनाया गया है। जो लोग जिप से हटाए गए हैं, उन्नाव से हटाए गए हैं, दिनेश त्रिपाठी उनको प्रतिशारत किया गया है। इसी तरह हेमंत कुटियाल जो मुरादाबाद में एसएसपी थे उनको भी सरकार ने हटा दिया है और वो बेट डाले गए हैं। दिनेश कुमार सिंह बाराबंकी के नए एसपी बनाए गए हैं और जो बाराबंकी में अनुराग वत्स थे उनको भारत सरकार में रिलीव कर दिया गया है, वो भारत सरकार चले गए हैं जी। एक लिस्ट आई है जिसमें 5 जिलों के एसपी, गाजीपुर में ओमवीर सिंह को एसपी बनाया गया है। अभी कुछ और भी लिस्ट है उसमें सरकार के कंसीडर में, तो ये माना जा रहा है कि अभी आईपीएस अफसरों की एक दो दिन में एक और बड़ी सूची आएगी जिसमें कई जिलों के एसपी बदले जाएंगे जी। तो ये रूटीन ट्रांसफर के तहत किया गया है वीरेंद्र जी, या फिर इसके पीछे क्या वजह? देखिए तबादलों को लेकर चुनाव पहले था, उसके पहले फिर त्योहारों का सीजन चला जी, दिवाली का मौसम रहा,
तो बहुत लंबे समय से यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादले नहीं हो रहे थे जी। और बहुत सारे एसपी को लेकर शिकायतें जिलों में जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार के सामने आ रही थी। उस क्रम में सरकार ने आज परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन अभी ये शुरुआत कह सकते हैं आप। अभी आईपीएस अफसरों की एक सूची दो एक दिन के भीतर और जारी होने वाली जी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी इस तमाम जानकारी के लिए।